परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ आज भी एक खूबसूरत कड़ी के बीच आप सबके दर्शन करने का मौका मिले और यूएस को प्रभु के दास पास्टर डेविड पंकज जी भी कहते हैं इधर मम्मा सुनीता भी बैठे ने सब सारे एक बार प्रभु यीशु मसीह की जोरदार ताली बजा सो मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पहला चंडीगढ़ एक मीटिंग होते सी उस तो बाद सीधा चंडीगढ़ तो इधर नू आए हैं तो मैं जब इनविटेशन देखा पास्टर जी ने मैंने कॉल किया तो मैं नाम जिहड़ा इनविटेशन दिते सी बड़ा पसंद आया बड़ा चोजन जिहा नाम सीगा कॉन्सिक्रेशन यानी कि अभिषेक और जो स्टडी जाके देखते हैं तो कॉन्सिक्रेशन का जरा हिब्रू वर्ड है वह कदास कदास का मतलब है सेपरेटेड होली एक अलग काम के लिए चुनिया हुआ और मैं विश्वास करता हूँ कि अच्छ जिन्हें भी इस जगह पर आए हैं परमेश्वर ने आप सबू एक अलग मुलाहट के नाल एक अलग काम के लिए चुनिया है और तुसी नॉर्मल लोग नहीं है सारे गुणा की हालत भी है और अच्छ असं इस जगह पर आके बहुत ज्यादा खुश हाँ रमन हंस मिनिस्ट्रीज द चर्च ऑफ ऑल नेशन चमकौर साहिब के वालों मैं आप सबनों प्यार भरी जय मसीह की आखता एक गीत गावे प्रभु की महिमा के लिए मैं चाहता कि असं सारे अपने स्थान से खड़े हो जाइए
अगर अपने जीवन में परमेश्वर की मेहरबानियों को देखी, एक कॉपी लाओ, एक पेन लाओ, एक साइड पे लिखो परेशानियां, दूसरी साइड पे लिखो मेहरबानियां। ते जदों तुसी परेशानियां लिखोगे ना, ते ओदियां मेहरबानियां दे थले तुहाडियां परेशानियां दे लिस्ट घट हो जाएगी। इतने उपकार, इतनियां मेहरबानियां ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲਓ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, कमेटी के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और स्पेशल थैंक्स जो है इसको बनाने में पास्टर प्रेम जी यहाँ पे थे, बड़ी मेहनत किया उन्होंने, उसके परिवार ने, ये सारा एक साल हो गया इनको मेहनत करते हैं। पहले तो मेरा छोटा भाई इलियास था जहाँ पे, उनके जिम्मेवारी थी, अब उनको उनको भी ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद फिर इन्होंने सारा इंतजाम किया। और हमारे बदाने खालम डॉक्टर तरसेम सोहता जी जो के इस मिनिस्ट्री के प्रेजेंट है, बाकी का सारा उनके हाथ में है, प्रोग्राम जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा मास्टर प्रे और पूरी टीम करती है। और बिशप साहब जी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और पूरी कमेटी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हर जगह जहां जहां पे भी कई बार यहां पे आप जानते हैं पंजाब में कई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां पे इनको जाना पड़ता है। कलाम से जाने से पहले मैं कुछ बातें दो तीन करना चाहता हूं। जब हमने 2009 में खुदा के खादम पास्टर अजीत मसीह के साथ जो आज बिशप जी हैं, ये हमने से कई यहां पे शुरू की थी, तो उस वक्त ये हॉल खुदा ने हमें दिया बनाया, और
अब जरूरत पड़ी कि हम इसको बढ़ाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हॉल एक होसना चर्च का नहीं है, पूरी कम्युनिटी का। कितने लोगों के पास में ये होसना का चर्च नहीं है, ये हमारी मिशन कम्युनिटी का चर्च है। जब भी आपको हम जहां पे अभी बैच लगाने वाले हैं और तरीके से अच्छे तरीके से एलसीडी साउंड सिस्टम सारा आने वाले दिनों में यहां पे हो जाएगा, आप खुदा के नाम के लिए जैसे कि नकाब या कोई और स्पिरिचुअली चीजें हैं, इसको नकाब इसलिए कहता हूं स्पिरिचुअल, क्योंकि ये खुदा की तरफ से शादी का है। और ये सब हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से हो, ताकि आपको अगर जगह की जरूरत हो तो ये चर्च आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया। और ऊपर आपका लंगर हाल है, इसके बाद जिन्होंने नहीं देखा ऊपर सारा इंतजाम बना दिया है पूरी घोषणा टीम ने, मैं टीम का बड़ा शुक्रगुजार हूं। पहले तो संडे चर्च था लगता था, अब हम थर्सडे को भी मीटिंग शुरू जल्द करने वाले हैं। हालेलुया। मीटिंग जहां पे थर्सडे को भी शुरू होगी, और इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है अपनी इज्जत जलाल महिमा के लिए। लेकिन ये बात है कि जो कुछ भी हमने यहां पे किया है, ना तो मेरा है यहां पे कुछ, ना मेरी फैमिली का है। अच्छा, यहां पे जो दीना काली की लिस्ट है यहां पे वो खड़े हो गए, कितने लोग आए यहां पे दीना, यहां ये चर्च की लिस्ट है यहां पे जितनी यहां चर्च की यहां पे लोकल कलीसिया है वो मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। ये कलीसिया थैंक यू सो जो ज्यादा रहता है लोकल कलीसिया की, थैंक यू सो मच। और आने वाले दिनों में ये हमारी जो लोकल कलीसिया है ये सारा मैं कमेटी यहां पे बनाने वाला हूं। पहले थी यहां पे कमेटी खुली नहीं है, पास्टर जी चर्च चलाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी भी जिम्मेवारी हो, क्योंकि जो चर्च है पहले पास्टर उसके बाद जो है कलीसिया चलाती है, क्योंकि कलीसिया को मैं इसलिए कमेटी का कह रहा हूं उनकी जिम्मेवारी को पता होना चाहिए उन्होंने क्या करना। जिस जगह कोई जिम्मेवार लोग ना हो वो चर्च अच्छे तरीके से नहीं चलते। तो हम चाहते हैं कि कलीसिया में लोग जो है आगे आगे चर्च के लिए काम करें। क्या आप लोग तैयार हो कलीसिया? यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मजा आ गया। हालेलुया। बताऊं यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आप बैठेंगे और जैसे मैंने कहा कि ना तो मेरा ना मेरी फैमिली का चर्चा है ये जगह, ये हमने खुदा के नाम में। हालेलुया। ये खुदा के नाम के लिए है और खुदा के नाम के लिए सारा ये चर्च जो इस्तेमाल होगा। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए खुदा के कलाम की तरह हम बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक्चुअली शमीनास वो रस्ते में आ रहे थे, मैं चाहता था कि अगर वो टाइम पे आ जाते तो अच्छी, लेकिन वो लेट हो गए। और जैसे खुदा के फादर ने कहा है कि मेरी फैमिली इमैनुअल और इनके साथ उनकी वाइफ रेचल, मेरी बेटी सोफिया, इनके हम एक्चुअली हम लोग इनकी एंगेजमेंट कर रहे हैं सोफिया, और 14 तारीख को एक छोटा सा फंक्शन हमने रखा है एंगेजमेंट का, बेटी का। तो उसके बाद हमारे डैनियल साहब हैं, इनकी बारी आएगी जब भी परमेश्वर की मर्जी होगी। हालेलुया। और मालूम नहीं पता कि इनकी पसली यहाँ पे है कि वहां पे है, लेकिन मैं आप लोगों को सारे कारणों से विनती करूंगा कि आप मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। और आप चाहते हैं कि हम जितना भी हो सकता पंजाब के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो अब मैं चाहूंगा वचन में जाने से पहले जितने आप सब खड़े हो गए, कितने आप सब खड़े हो गए बिशप साहब, और मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके हाथ जो है ना सबके आप थालियां और उस तरफ नए हॉल की तरफ। हालेलुया। तो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, ब्लेस करेंगे हम सबको इस हॉल को, ठीक है? क्योंकि यहीं पे खड़े होकर हम ब्लेस करेंगे, ताकि जैसे हॉल जो है खुदावंद की इज्जत नाल मेहमान के लिए किया जाए। खुदाबा तेरा शुक्र ते तारीफ करने के लिए परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद जब के खुदावंद ऑलमोस्ट इस हॉल का काम कंप्लीट हो गया,
जो रहती है प्रभु यीशु मसीह चीजें उसको भी कंप्लीट कीजिए प्रभु, हमें फाइनेंशियली फिजिकली स्पिरिचुअली खुदावन बढ़ाए ताकि खुदा मुझे हॉल चर्च सर आपकी इज्जत मेहमान के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रभु मैं आपके दासों के साथ आपकी दासियों के साथ मिलके प्रभु जी इस हॉल को ब्लेस करते हैं यीशु नाम में, हर एक ईंट ब्लेस हो जाए, हर एक कोना यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, हर एक चीज यीशु के नाम में जो इसके अंदर है ऊपर है बाहर है खुदावन इस भवन के ऊपर जैसे खुदा इतिहास में आदि वो प्रार्थना सुनकर मैं उत्तर दूंगा और कितने लोग का प्रभु आशीष पाएंगे आसमान के खुदावन, ये खुदावन भवन तेरे गांव से आशीष पाए तेरे लोगों को बरकत मिले, अंदर पढ़ते ही उनके कदम प्रभु यीशु मसीह पवित्र हो जाए यीशु मसीह के पावन समर्थ के नाम से हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपने जो भवन दिया इस भवन के ऊपर आपकी दिन रात आसमान के खुदावन आंखें खुली है, इस भवन के ऊपर प्रभु जी दिन रात आपकी आंखें आसमान के खुदावन दिन रात इस भवन के ऊपर आपकी आंखें खुली है। धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आपने भवन दिया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे खादों को जिन्होंने प्रभु अपने हाथ इस भवन की ओर मनोरथ बनाया है उठाया है और यीशु मसीह के हाथों को प्रेस कर, इनकी पोस्टों को प्रेस कर और इनके खुदावन बैंक के खातों को प्रेस कर, इनके घर के हर एक बर्तन को यीशु के नाम में स्पिरिचुअली फिजिकली हर एक बर्तन यीशु नाम में प्रेस कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थ नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आज यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा, मेरा विश्वास है कोई खुदा का काम करता है जहाँ उसके नाम से दो व्यक्ति एक मन होकर जब हम निकट कर रहे हैं प्रभु की प्रेजेंस प्रभु हमारे बीच में है, आज खुदा हर एक जन को बड़ी बरकत देके भेजेगा और मेरा विश्वास है कि आप जहाँ जहाँ पे चर्चों में जाते हैं और आने वाले संडे में आप बड़ी बरकत देके जाएंगे और वहां पे टेस्ट मन देंगे। हालेलुया, हालेलुया
मुझे मेरे मन पसंद का बंदा मिल गया है। हालेलुया, मुझे मेरे मन पसंद का बंदा मिल गया है। तो दाऊद जो है, जब सैमुएल ने, ताकि खादम सब जानते हैं, मेरे सीनियर हैं बैठे, तो सैमुएल से परमेश्वर बात करता है कि मैं ने अपने मन पसंद का बंदा ढूंढ लिया है। मेरी भी ऐसी जिंदगी थी, सब जानते, काफी लोग जानते कि मेरी बैकग्राउंड जो कैथोलिक मिशन से है, बिलोंग करता था, अभी भी है, सभी की मैंने उनको, मैं बहुत प्यार करता हूँ हर एक क्लीसिया को, लेकिन दिनों की आज तो सब कुछ चेंज हुआ है कि उनके पास कलाम भी है, सब उनके पास कलाम नहीं था। आज अलग बात है कि वो मैसेज देते हैं, उनके पास उनके उन दिनों में उनके पास कलाम नहीं था। चलता रहा ऐसा सिलसिला, मेरी शादी हो गई 1989 में, तो कुछ बातें ऐसी आई कि मैं बीमार हो गया, बीमार होने के बाद मेरा बिजनेस था, बिजनेस खराब हो गया, और खुदा की आत्मा ने उस वक्त मुझे एक वर्ष दिया जो जिसने बात जो मैंने पहले बताई है, अगर नहीं जिनको नहीं पता, मैं चाहता हूं उनके लिए आशीष करता हूं। कैसे बनी, क्या होती है, किस लिए होती है, एक दूसरे को एनकरेजमेंट करने के लिए, डिस्करेजमेंट नहीं। टेस्ट बनी लोगों को, लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए होती है। मैं दौर की टेस्ट बनी दूंगा, पहले मैं इस दौर अपने इस दौर के लिए अपने टेस्ट बनी दूंगा। तो बीमार हो गया और मरने पर था, मुझे एक रात ऐसी आई कि मैंने कहा बस बेटा जो मेरा काम होने वाला है, मैं मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट कर दिया इस केस मनी को। खुदा की खात्मा ने मुझे एक वर्ष दी उस वक्त, वो वर्ष यशाया 59 वर्ष एक थी कि खुदावन का हाथ शोधा नहीं कि वो बहरा नहीं कि वो सुना सके, हमारे पापों अपराधों के कारण मेरे और खुदा के बीच में जुदाई। तो सचमुच मैंने सोचा जो हम कर रहे हैं तो गलत है। हमने उसी रात को तौबा की, और उसी रात को जब तौबा की तो पवित्र आत्मा ने टच किया, और जो हम मजाक उड़ाने वाले थे ना, तो पवित्र आत्मा ने, हम कहते थे गोता मिश्र है, राणा जय है, वो है वो ही संभव की तरह उन्होंने पकड़ लिया। ऐसा होता है कि मुझे पवित्र आत्मा का दान मिल गया और मुझे मालूम था क्या बोल रहा हूं, ठीक है, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये मुझे पता मैं होली स्पिरिट की टंग बोल रहा था। और वैसे जब गया तो मैंने दुआ की, जब मैं सुबह उठा तो 100% मैं ही था।